सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो हियर इन माल्टा। सो गाइस, बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में, बहुत 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 शुक्रिया आपका। क्या हुआ था, मैंने अपना वीडियोस डालना थोड़ा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से चैनल थोड़ा डाउन हो गया था। बट जैसे ही मैंने वीडियोज़ डाले, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा आप लोगों को। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, एंड जाके मेरा पेज जरूर फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। वो पिछले 6-7 महीने से वो 2040 के ऊपर से फॉलोवर जाते हैं, 60 तक आते हैं और फिर डिक्रीज होके नीचे आ जाते हैं। तो अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जाके सबसे पहले मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। और आप कुछ भी, आपको हेल्प चाहिए, किसी भी रिलेटेड हेल्प चाहिए, मुझे आप वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का रिस्पॉन्स करूँगा। सबका करता हूँ, 100% मेरा रिस्पॉन्स रेट है, सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। चाहे जो जैसे मुझसे पूछे, चाहे जो भी पूछे, मैं सबका रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा, बट फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि माल्टा में क्या एक ऐसा रीज़न है, मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा जो कारण है डायरेक्ट जॉब ना मिलना और माल्टा आना इतना डिफ़िकल्ट हो जाना। पिछले 2 सालों में माल्टा आना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है, और क्या रीज़न है जो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है और पैसे खर्चा करने पड़ते हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, डजेंट मैटर। तो ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही है और इतना टफ माल्टा होता क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंडिया के लगभग 12-13 हज़ार लोग इंडिया के हैं, देन फॉलोइंग बाय इटली, देन उसके बाद फिलीपींस, देन उसके बाद माल्टा, सॉरी नेपाल। तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और फॉरेन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जो कि माल्टा की इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है, फॉर श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज, इतना ज़्यादा क्राउड माल्टा आना चाहता है, इतने ज़्यादा ईमेल्स वगैरह कंपनियों को जाते हैं और प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सबसे पहला कारण यही है कि प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंदी है माल्टा वीज़ा लगने का। अभी मेरा एक मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे, उसने दुबई में अपना वीज़ा जो है सबमिट किया था अभी रिसेंटली, और 6 महीने तक वर्क परमिट का वेट किया, और 6 महीने वर्क परमिट वेट करने के बाद में जब दिसंबर में उसका वीज़ा अप्लाई किया उसने, उसके जिसके थ्रू वो प्रोसेस करवा रहा था, उसकी गलती की वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उस लड़के ने कितने लॉन्ग पीरियड वेट किया और फाइनली जब वो पैसे वैसे देने के बाद में भी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, केवल और केवल गलती किसकी थी, एजेंट की गलती थी। तो यानी जिससे वो प्रोसेस करा रहा था उसकी गलती थी। तो ये लेंदी प्रोसेस बहुत है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उनको जल्दी चाहिए होता है। विंटर्स में 3-4 महीने का जो विंटर, जैसे अभी दिसंबर जनवरी थोड़ा सा सीजन स्लो हो जाता है, हॉस्पिटैलिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो थोड़ा काम कम होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि काम, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको जल्दी लोग चाहिए होते हैं, और इंडिया से या कहीं से आने में, एशिया से आने में, किसी को भी आने में बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। वर्क परमिट आने में 5 से 6 महीने का टाइम लग जा रहा है इस समय, 7 महीने 8 महीने, बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर उसके बाद में वीज़ा लगना ना लगना, ये भी श्योर नहीं है, ठीक है। वीज़ा के लिए वेट करो फिर 2-3 महीने, वो भी श्योर नहीं है कि वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ के एम्प्लॉयर्स जो है एजेंसीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन हायरिंग डायरेक्टली। ये भी रिलेट करता है पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में देखो, बंदे को हायर किया, वेट किया, वेट करने के बाद में उस बंदे के लिए अपनी वैकेंसी उन्होंने खोल के रखी है, अभी खोल के रखी है, फिर एट द एंड 6-7-8 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में पता चल रहा है कि नहीं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उनको कितना ख़राब है। अब रेदर देन पेइंग एन एजेंसी, अभी यहाँ पे हायर करना डायरेक्टली बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली एजेंसी को बताते हैं, हाँ हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, एजेंसीज के पास लड़के रहते हैं, हाँ ठीक है आज पहुँच जाना, ये लड़का पहुँच गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एजेंसी लोग भी बहुत ट्रिकी गेम खेलते हैं। अगर आपको सही से पता नहीं है, नॉलेज नहीं है एजेंसीज क्या करती हैं, वो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि माल्टा में बाई लॉ आपको 40 आवर्स काम देना ही पड़ेगा। अगर आप हायर्ड हैं किसी एजेंसी के थ्रू भी, किसी के थ्रू भी, आपको बाई डिफॉल्ट उन्हें 40 आवर्स ऑफ वर्क देना ही पड़ेगा। बट कुछ एजेंसी ट्रिक करके, कॉन्ट्रैक्ट में फिर बदल करके या चीट करके 40 घंटे का काम भी नहीं देती हैं, और फिर वो जो बंदे लोग एजेंसी को पैसा दे के आते हैं, नेपाल से कई लोग मुझे मिलते हैं, नेपाली भाई बहन हमारे बहुत सारे मिलते हैं जिनके पास काम ही नहीं है, विंटर्स में घर पे बैठे हुए हैं, घर से पैसा मंगा के यहाँ पे रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट मैन कमिंग टू एन यूरोपियन कंट्री एंड पेइंग रेंट फ्रॉम योर सेविंग्स, literally, I mean, shocking man, literally shocking. I can't do anything in that. But अभी
दिक्कत यह है कि करें तो क्या करें, वो लोग अभी आ गए। कल अभी एक लड़की मिली थी मुझे, उसने 15 लाख नेपाली रुपए दिए नेपाल में, 15 लाख नेपाली रुपए देके अभी वो यहाँ पे आई। तो एजेंसी की तरफ से जाने से फायदा भी है, अगर आपको सही बंदा, जेन्युइन बंदा अच्छे रेट में काम करा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपसे बता रहा है सारी चीज़ें डिटेल में तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा ट्रिकी करके काम कर रहा है ना, कि यहाँ पे पैसा लेके माल्टा पहुँचा दे देगा, लेकिन माल्टा आने के बाद क्या, माल्टा आने के बाद ठनठन गोपाल, समर में तो काम है, विंटर से वैसे काम नहीं है, बैठे हो, अगर डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही है तो बैठे हुए एजेंसी की तरफ से 1 साल बैठे हुए। और कई सारी एजेंसीज क्या करती हैं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देती है, मतलब 1 साल के पहले अगर आपने छोड़ा तो 3 महीने के पैसे देने हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी काम कराता हूँ, मैं भी पैसे लेके एजेंसी के थ्रू ही काम कराता हूँ, बट मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं पैसे लेके एजेंसी के थ्रू काम कराता हूँ, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि किसी के साथ चीट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद बंदा बैठे नहीं, एटलीस्ट उसको अगर काम नहीं है उसके पास, तब भी उसको बाई डिफॉल्ट उसकी लीव से पैसा पे हो। माल्टा में क्या होता है, 200 समथिंग आवर्स जो होते हैं, साल की एनुअल पेड लीव होती है। तो अगर आपको मान लो हफ्ते में 40 घंटे का काम होता है, 40 घंटे में 5 दिन काम होता है, 5 दिन में आपने काम 8 घंटे काम नहीं किया या 4 घंटे काम नहीं किया, तो आपके 200 आवर्स जो होते हैं उसमें से वो लीव, पेड लीव से निकाल के आपको उससे पैसा पे हो जाता है। तो वो लीव अटैच कर देते हैं, उससे पैसा पे हो जाता है। वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, वो यहाँ पे आ जाओगे तो पता चल जाएगा, बट ये एजेंसीज नहीं करती हैं यहाँ पे। लोग आते हैं, फंस जाते हैं और बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है, विंटर्स में परेशानी होती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो ये मेक श्योर करके आओ, आप किसके थ्रू भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, मेक श्योर करके आओ कि आपके साथ जेन्युइन काम हो रहा है, आप यहाँ पे आ रहे हो, अच्छी तरीके से काम करोगे, पैसा कमाओगे, और जो आपका खर्चा हुआ है वो पूरा करके अपने सपने पूरे करोगे। माल्टा में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती ही जा रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अभी कितने, एक बंदा एक कंपनी के बारे में पता चल गया, उसको ईमेल से ईमेल, ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, तो वो ईमेल स्पैम जा रहा है, स्पैम जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, कोई भी आपको हायर करेगा भाई, कोई भी हायर करेगा, तो आप अपना लक भी आजमाते रहिए, बट अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है डायरेक्ट जॉब मिलना भी। आप लगे रहिए, ईमेल्स भेजते रहिए, अपनी लगन में लगे रहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण, मेरे जैसे उदाहरण भी मुझे देखने को मिले, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया, उन लोगों ने लगा रहा 5-6 महीने अपने एक्सपीरियंस के साथ में ईमेल भेजते रहे, बातचीत करते रहे, लगन से लगे रहे, और उनका वीज़ा लग गया, आ भी गए। तो एक एक होता है, आपके पास सब्र होना चाहिए, और सब्र नहीं है तो थोड़ा पैसा खर्चा करो, किसी अच्छी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू जाओ, जो आपको माल्टा आने तक में हेल्प करे और माल्टा पहुँचने के बाद में भी आपके साथ आपका साथ ना छोड़े, जैसा मैं करता हूँ, मैंने किया है। और मैं ये सीना थोक के कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने लोगों की ऐसी हेल्प करी है कि माल्टा आने के बाद में भी उनका साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अभी सवाल होगा कि क्या, अगर जब इतना ही डिफिकल्ट है तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो क्या करें। वो देखो, अगर उनके पास सब्र है, अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पेशेंस है, अप्लाई करो, ऑनलाइन दबा के अप्लाई करो, दबा के अप्लाई करो, आपको मिलेगी जॉब। लेकिन रेशियो बहुत कम होता जा रहा है, डायरेक्ट जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। बट देखते हैं कैसा क्या जाता है। एक तो माल्टा बहुत छोटी कंट्री है, डिफ़िकल्टी इस चीज़ की है, माल्टा बहुत छोटी कंट्री है, और छोटी कंट्री होने के कारण पॉपुलेशन कम है, और फिर जगह कम है, तो चीज़ें लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिक्वायरमेंट। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री तो नहीं है, अभी आपका 2-3 टाउन मिला के माल्टा बन जाएगा, इतना छोटा है। तो बस यही है, आप लगे रहो और जेन्युइन काम कराओ, और कारण सबसे बड़ा यही है कि टाइम पीरियड बहुत लग रहा है आने के लिए, तो जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो हायर एजेंसी के थ्रू स्टाफ लेना पसंद करती हैं, जो माल्टा में रजिस्टर्ड एजेंसी है। जैसे मेरी कंपनी, मान लो मेरी कंपनी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करती है, कोई भी इवेंट होता है, अभी उनको पार्ट टाइमर्स बोलते हैं, ठीक है, जो इवेंट में वेटर्स आते हैं या क्लीनिंग करने के लिए जो आते हैं उनको पार्ट टाइम वर्कर्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, जैसे आज मान लो इवेंट है 400 लोगों का, ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट है 10 वेटर्स की, 4 क्लीनर्स की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने 3-4 उनकी एजेंसी, जो 5-6 एजेंसीज हैं जिनसे उनका कनेक्शन है, उनको मैसेज किया, हाँ, ये रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, ये लोकेशन है, स्टाफ वहाँ पे पहुँच जाएगा, रात में ड्रॉप मिल जाता है, दैट्स इट, फिनिश। तो अभी एजेंसी जो मेरी कंपनी है, अभी वो फुल टाइमर तो नहीं हायर करेगी ना,
फुल टाइमर नहीं हायर कर पाएगी। फुल टाइमर हायर करना उनके लिए खराब है, क्योंकि अभी तो उनको पार्ट टाइमर्स की जरूरत इवेंट के दौरान है ना। फुल टाइमर्स एक नंबर ऑफ अमाउंट रखेंगे, मान लो 10 फुल टाइमर्स रखें थ्रू आउट द ईयर के लिए। अब लेकिन परमानेंट उतना बड़ा स्टाफ रखना, कभी ज्यादा की जरूरत पड़ी है कभी कम की जरूरत पड़ती है, तो उतने लोगों को पैसा देना तो उनके लिए डिफिकल्ट है ना। अभी एक दिन के लिए पैसा देना और पूरे साल के लिए पैसा देना, कितनी डिफिकल्टी हो जाती है, तो वो लॉस में आ जाएगी ना कंपनी। तो उनको ज्यादा बेनिफिट है एजेंसी के थ्रू लेना, कि जब भी रिक्वायरमेंट हो जाए उनको बुला लो, ऐसा है। और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे बचना चाहती हैं, मतलब हायरिंग से, डायरेक्टली हायरिंग से बचना चाहती है। दुबई से जल्दी प्रोसेस हो जाता है, इंडिया से प्रोसेस में टाइम लगता है, बट हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। और यूएस वीज़ा की तरीके नहीं है कि दिन देर ही पता चल जाता है हाँ तुम्हारा हो गया है। 6 महीना वर्क वीज़ा का, वर्क परमिट का वेट करो, जिसको प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद 2-3 महीना आप वेट करो वीज़ा का, और वीज़ा जब आपके हाथ में आएगा तब आपको पता चलेगा कि लगा है कि नहीं लगा है। नहीं लगा है तो मायूस होकर बैठो, फिर से ट्राई करो, और लग गया है तो हैप्पीली माल्टा आ जाओ। यही है। दुबई वगैरह में क्या होता है, वर्क परमिट आने में वही टाइम लगता है, 6-7 महीने ही लग रहे हैं, या 5 महीने 4 महीने, डिपेंड करता है किसका कितनी जल्दी हो रहा है। और वीज़ा आने में 15-20 दिन में वीज़ा आपको मिल जाता है दुबई में, यही फायदा है, दैट्स इट। लेकिन दुबई में भी एक ट्रिक है कि आपको 8 महीने वहाँ पर रहना ही रहना है। तो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जिनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपसे बात करता रहूँगा। ये नॉर्मल सा एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, बताने की कोशिश करी कि क्यों माल्टा में कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं डायरेक्टली, और थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है डायरेक्ट जॉब पाना माल्टा में। बट कोई नहीं, अगर आपके पास लगन है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप आइए। बट अगर कोई जेन्युइन एजेंसी मिल रही है तो उसके साथ भी काम आप करा सकते हैं। और अगर आपको फाइल वगैरह बनवानी हो, या आपको बनवाना हो अपना रिज्यूमे यूरोपा सीवी, सबसे कम रेट में, पूरे यूट्यूब में बता रहा हूँ, सबसे कम रेट में आपका यूरोपा सीवी में बना के दूंगा, और परफेक्ट, सबसे बेस्ट। सो डू मैसेज मी एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग। बाय बाय।